चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बिना प्याज और लहसुन वाला ब्रेड पकौड़ा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनाएंगी। एंड अभी तो सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन में भी आप भी नहीं खाती होगी, तो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो बस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़ा के लिए सलरी तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर मिक्सिंग बाउल में ऐड कर रही हूँ 1 कप और आधा कप, मतलब टोटल 1.5 कप मैं यहाँ पर बेसन ले रही हूँ। आप छान कर यूज़ करना। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/4 कप राइस फ्लोर, जिसे कि चावल का आटा भी कहा जाता है। बहुत अच्छा सा क्रंच आएगा पकौड़ा में, तो आप ज़रूर से ऐड करना। चाहो तो सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना नमक, एंड आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, तो अच्छे से हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 पिंच इतना हल्दी, बहुत अच्छा सा कलर आएगा पकौड़ा में। और साथ में ऐड कर रही हूँ 2 पिंच इतना हींग। तो बस सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे। आपको एक बार बिल्कुल नहीं ऐड करना है, वरना गुठली बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1 कप और आधा कप से थोड़ा सा कम पानी यूज़ किया था। एंड इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो सलरी की, बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इसे हम ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि जो चावल का आटा बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पैन स्टफिंग बनाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल 2 से 3 बड़ा चम्मच। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना जीरा, और साथ में 1/2 छोटा चम्मच इतना राई। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ हींग, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। एंड नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून इतना सौंफ, आप ज़रूर से ऐड करना अगर अवेलेबल है तो। और 1 हरी मिर्च, जैसे कि मैंने बारीक कट कर दिया है। और 1 छोटा टुकड़ा मैंने यहाँ पर अदरक का ग्रेट करके ऐड किया है। और कुछ सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ, जैसे कि टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च। आप कोई दूसरी सब्जी यूज़ कर सकते हो या फिर प्याज या लहसुन यूज़ कर लो। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेंगे ताकि सब्जियाँ हल्की खास से सॉफ्ट हो जाए। एंड अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना हल्दी, और साथ में 1 छोटा चम्मच होममेड मसाला। तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर से चेक करना। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच इतना पानी, इसमें मिक्स कर लेंगे। एंड अब आलू ऐड कर रही हूँ, बॉयल्ड आलू। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करते हुए मैश करेंगे। और साथ में यहीं पर ऐड कर देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, तो मैंने यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच ऐड किया है। तो बस देख सकते हो आलू हमारा अच्छे से भून चुका है। तो फाइनली ऐड करेंगे यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच इतना कसूरी मेथी, अच्छे से क्रश करके ऐड करेंगे। और साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो बस मिक्स करने के बाद हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। एंड हमने जो बैटर बनाया था वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो नेक्स्ट अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल, बिल्कुल गर्मा गर्म। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल ऐड करने से बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारा पकौड़ा तैयार होगा। और साथ में ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इतना बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, सोडा नहीं। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया सैंडविच ब्रेड, तो इस पर अच्छे से टोमेटो सॉस को स्प्रेड कर लेंगे। आप कोई दूसरा सॉस यूज़ कर सकते हो या फिर कोई चटनी भी। तो मैंने दोनों स्लाइस पे स्प्रेड कर लिया है। एंड जो आलू का स्टफिंग बनाया था उसे भी अच्छे से स्प्रेड करेंगे। एंड दूसरा जो ब्रेड है उसे ढक कर कट कर देंगे। तो आप यहाँ पर 2 ट्रायंगल पीस कट कर सकते हो या फिर स्क्वायर कट कर सकते हो या फिर 4 ट्रायंगल पीस भी कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 2 किया है। एंड जो हमारी सलरी थी उसमें अच्छे से डिप करेंगे। तो पहले आपको साइड्स को डिप करना है ताकि बिल्कुल भी खुले ना। एंड उसके बाद हम पूरा जो हमारा ब्रेड है उसे हम डिप करके निकाल लेंगे एंड तेल में ऐड करेंगे। तो तेल को आपको पहले अच्छे से गर्म कर लेना है एंड उसके बाद लो टू मीडियम करना है। तो अगर मैं ब्रेड पकौड़े के ऊपर हल्का सा तेल ऐड कर रही हूँ ताकि ऊपर से भी पक जाए। एंड इसे लट पलट कर अच्छे से तल लेंगे। तुम्हारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार है, आप इसका लुक देख सकते हो। तो बस मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देख सकती हूँ अंदर की स्टफिंग कितनी अच्छी देखने में लग रही है। तो बस हमारा ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल तैयार है। तो मेरे फ्रेंड्स आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताना। एंड अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।